इतना खतरनाक वाला लैंडस्लाइड हो रखा है और एक भाई उसी के नीचे बैठा हुआ है। ये वाला जो मंदिर है ये है तुंगनाथ भगवान को समर्पित, और मंदिर देखिए कितना खूबसूरत है। तो रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा ये गांव है, इतनी खतरनाक पहाड़ियों को काट के ये रोड बनाई गई है। हेलो, ये भाग रहा है मेरे को देख के। ये है माता रानी का भव्य मंदिर। मेरा नाम है संजना और मैं इसकी बेस्टी हूँ। लगभग कितने साल हो गए? 5-6 साल से हम एक दूसरे को जानते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, क्या हाल चाल। मैं हूं प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों दिन के 12 बज चुके हैं, अब जाके ब्लॉग की शुरुआत हो रही है, और हो रही है अपने गांव से काफी दूर, चौंड गांव से। जो चौंड गांव है वो शायद यहाँ ऊपर है, अभी प्रॉपर पता भी नहीं चल रहा है क्योंकि मैं घने चीड़ के जंगल के बीच में हूँ। और दिन के 12 बजे मैं अभी कहाँ जा रहा हूँ, तो मैं जा रहा हूँ महादेव के दर्शन करने के लिए चुपता तुंगनाथ की ओर। और आप लोगों के मन में चुपता तुंगनाथ सुन के आ रहा होगा, तृतीया केदार तुंगनाथ भगवान के दर्शन करने मैं जा रहा हूँ। तो वहाँ पर मैं नहीं जा रहा हूँ, बल्कि हमारे रुद्रप्रयाग में एक और जगह है चुपता तुंगनाथ, तो वहाँ पर मैं जा रहा हूँ। और वो कहाँ लोकेशन है वो आगे वीडियो में आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर ब्लॉग की शुरुआत हो गई है और फिर अब आगे निकलते हैं और मोटो ब्लॉग के जरिए आपको आगे लेके चलते हैं फलासी गांव में, जहां पर तुंगनाथ बाबा विराजमान हैं। और चलने से पहले हमारे जो साथी हैं नितिन भाई हैं, हेलो। तो नितिन भाई के साथ मैं जाने वाला हूं, और जो चीड़ के जंगल में मैं हूं, तो ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा और घना चीड़ का जंगल है। तो हर हर महादेव का नाम लेके एक और नए मोटो ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है, और आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है हमारी वीडियो में। और मैंने बोला था कि मैं चौंड क्षेत्र में हूँ, तो चौंड थोड़ा पीछे छूट गया है और मुझे जाना है यहाँ आगे की ओर। आगे आपको बहुत सारे गांव वीडियो के जरिए मैं दिखाने वाला हूँ। और ये देखो कितनी खतरनाक पहाड़ियों को काट के ये रोड बनाई गई है, और ऐसी चट्टानों के नीचे ना बहुत तगड़ा डर लगता है ऊपर से पत्थर गिरने का। यहाँ रोड में भी आप देख सकते हैं कितने सारे पत्थर गिरे हुए हैं, और ये देखिए पहाड़ी भी बहुत कच्ची है, कभी भी टूट सकती है। ये आप देख सकते हैं पूरी रोड यहाँ टूट के क्या हाल हो रखी है, और पूरा मलबा आ रखा है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये वाली रोड बड़ी खतरनाक है। वैसे पहाड़ों में हर जगह रोड के हाल हुई है, लेकिन यहाँ पर ना इस रोड पर सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड होता है। और मुझे ये भी डर था कि ये रोड शायद पूरी बंद भी हो सकती है, आधे रास्ते से हमको लौटना भी पड़ सकता है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। ऐसी जगहों पर लगता है मुझे सबसे ज़्यादा डर, क्योंकि बाइक भी फंसती है और साथ साथ में कीचड़ में गिरने का भी डर है। अरे रे 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 रे, जय माता रानी, जय महादेव, निकल गए भाई। और यहाँ देखो भाई ऊपर कितना खतरनाक वाला लैंडस्लाइड हो रखा है, और एक भाई उसी के नीचे बैठा हुआ है। तो भाई को शायद डर नहीं लग रहा है, लेकिन मुझे गाड़ी ले जाते हुए भी डर लग रहा है, इतना ज़्यादा यहाँ पर टूट रखा है। नीचे वाली रोड, नीचे वाली रोड सही होगी, सही। और ये रोड ना हाल ही में बनी है, पहले ये रोड नहीं थी, ऊपर से रोड जाती थी उरखोली तड़ाग से। अगर वहाँ से हम घूम के जाते तो बहुत लंबा हमको पड़ता, लेकिन यहाँ से बहुत शॉर्ट है। और सामने पर ही महादेव का मंदिर है, तुंगनाथ भगवान का मंदिर है, और इस जगह का नाम है भटवाड़ी। एक भटवाड़ी तो मैंने अपने क्षेत्र में आपको दिखाया था, और एक भटवाड़ी यहाँ पर भी है, गांव इस रोड के नीचे है। तो सामने से अगर दिखेगा तो मैं दिखाने की आपको कोशिश करूँगा। और ये नया गांव आ चुका है बचनी, उधर भटवाड़ी था और इधर बचनी है। और बचनी में आते ही देखो ऊपर आपको एक मकान नज़र आ रही होगी, तो उसके मतलब इतने बुरे हाल हो रखे ना, चारों साइड से टूट रखी है। तो मानसून में आजकल यही हाल है, और जो बचनी गांव है वो यहाँ ऊपर है, और भटवाड़ी जो गांव था वो रोड के नीचे था, वो यहाँ से दिख भी नहीं रहा है। तेल जो है वो ख़त्म हो गया है, दोनों बंद पड़ चुकी है, नितिन भाई इसको पकड़। तो हम तेल लेके आए थे अपने साथ में, हमको पता था कहीं भी तेल समाप्त हो सकता है, तो अब यहीं पे तेल डाला जाएगा। 1-2-3 अपनी धनों को हम यहाँ पर मस्त पानी पिलाएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। धनों को हमने पानी पिला दिया है, और यहाँ से आगे बढ़ने से पहले ना थोड़ा जो मैं आपको गांव बता रहा था, सामने भटवाड़ी और बचनी, तो यहाँ से दोनों गांव नज़र आ रहे हैं, तो फ़ोन से ज़्यादा अच्छा सूट होगा, तो फ़ोन से सूट करके आपको बताते हैं। तो ये सामने जो गांव है ये है भटवाड़ी गांव, इसी के जस्ट बगल में यहाँ पर है ये बचनी गांव, और यहाँ नीचे है यहाँ की प्राइमरी स्कूल, यहाँ पर कुछ प्रोग्राम चल रहा है। और ऊपर दिखाऊँ तो ये है उरखोली गाँव, और ये है
तड़ाक गांव। और जब हम पैदल रास्ते से आते हैं ना, तो वो जो उरखोली गांव नज़र आ रहा है, तो उसके ठीक सामने वाली जो पहाड़ी है ना, तो ये हमारे गांव के ऊपर वाली पहाड़ी है, तो वहां से चढ़ के इधर उतरना पड़ता है। लेकिन आज बाई रोड आए हैं, तो फिर रोड ही रोड आपको दिखा रहे हैं जो भी हैं। तो नितिन भाई चलें। चलो जी, हम पहुंच चुके हैं फलासी गांव में और यहीं पे अपनी धनों को पार करते हैं ज़रा। तो धनों को पार करके अब यहां से हमको नीचे जाना है और यहां पर बोर्ड लगा हुआ है फलासी मंदिर का, तो यहीं खेतों से जाएंगे और नीचे वहां पर विराजमान है हमारे महादेव। रोड से चलते चलते हम पहुंच चुके हैं बाबा जी के दरबार में। यहाँ पर गेट है, तो अंदर जाने से पहले यहाँ पर थोड़ा पूजा का सामान ले लेते हैं। तो चलिए, जो पूजा की सामग्री है वो भी हमने ले ली है और गेट से भी एंट्री करते हैं और यहीं पे अपने जो जूते चप्पल हैं निकाल देते हैं और यहीं से हो जाता है मंदिर प्रांगण। और मंदिर प्रांगण में ही छोटे छोटे बहुत सारे यहाँ पर मंदिर आपको देखने को मिल रहे हैं, जो कि पूरे पत्थर से बने हुए हैं, एक भी इसमें सीमेंट का काम देखने को नहीं मिल रहा है। और जो महादेव का मंदिर है वो आगे है। जय हो। तो ये वाला जो मंदिर है, ये है तुंगनाथ भगवान को समर्पित। और मंदिर देखिए कितना खूबसूरत है, और पूरा मंदिर आप देख सकते हैं, ये भी पत्थर का बना हुआ है और इस पर कोई कलर कुलर नहीं किया जाता है। और जैसे ही मंदिर में पहुंचे, तो यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भगवान के दरबार में हैं। हेलो, ये भाग रहा है मेरे को देख के। यहाँ पर और भी हैं छोटे छोटे। तो मंदिर में तो यहाँ पर ताला लगा हुआ है, तो बाहर बाहर से भगवान की एक बार परिक्रमा कर लेते हैं और उसके बाद जो चारों साइड छोटे छोटे मंदिर हैं उनमें क्या करते हैं, धूप अगरबत्ती जलाते हैं और आशीर्वाद लेते हैं आप सभी लोगों के लिए। तो एक बार परिक्रमा कर लेंगे हम। तो यहाँ पर जितने भी छोटे से छोटे, बड़े से बड़े मंदिर हैं और जिन देवी देवताओं के हैं, सभी के मैं दर्शन कर चुका हूँ और आप लोगों के लिए और ख़ुद के लिए खूब सारा आशीर्वाद मैंने मांग लिया है। और यहाँ पर अंदर मुझे दर्शन करने थे, लेकिन यहाँ पर शायद अलाउड है नहीं, यहाँ पर बड़ा सा ताला लगा हुआ है। तो कभी ऐसे टाइम पर आएंगे जिस टाइम यहाँ पर ताला खुला होगा, तो देखते हैं भगवान का बुलावा फिर कब आता है। फिलहाल दर्शन हो गए हैं, तो अभी एक और मंदिर में हमको जाना है, वहाँ पर दुर्गा माँ का भी मंदिर है। तो चलो अब यहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं, क्योंकि मौसम भी थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। फलासी गांव से तुंगनाथ भगवान के दर्शन करके उनसे आज्ञा लेके मैं चल पड़ा हूँ आगे के खूबसूरत सफ़र की ओर, जो कि होने वाला है अभी दुर्गा धार तक। और उसके आगे कहाँ कहाँ तक होगा वो आज पूरी वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ की जो रोड है वो बहुत अच्छी है, इसको देख के ना दिल खुश हो गया। तो फलासी गांव से थोड़ा आगे आके ना हम एक प्यारी सी लोकेशन पे रुक गए हैं ये चीज़ देखने के लिए। तो सामने स्क्रीन पे आपको जो बड़ा सा गांव देखने को मिल रहा है ना, तो ये रुद्रप्रयाग का, अरे गिर गया था मैं, चढ़ा भी नहीं जा रहा इसमें। तो ये स्क्रीन पे आपको जो पूरा गांव नज़र आ रहा है ना, तो रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा ये गाँव है और यहाँ का नाम है बावाई। और यहाँ भी बीच गाँव से रोड जा रही है, तो शाम को अगर सही मौसम रहता है तो मैं सोचूंगा उस गाँव से होते हुए अगस्त मुनि जाया जाए और वहाँ से घर आया जाए। तो यही दिखाना था मुझे यहाँ से कि रुद्रप्रयाग का सबसे बड़ा गांव कौन है और कैसा दिखता है। और हमें जाना है यहाँ ऊपर अभी।
तो गाइस अब जाके फाइनली हम पहुंचे हैं दुर्गा धार में। सामने बड़ा सा बोर्ड भी लगा हुआ है, तो अपनी बाइक को यहीं कहीं पार करते हैं। और रास्ता कहां से है मंदिर जाने का, ये यहां से है रास्ता। यहां पर बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है, वेलकम दुर्गा धार। तो अपनी धन्नो हमने पार कर दी है और अब चलते हैं दुर्गा माँ के मंदिर में। तो लगभग आधा किलोमीटर चलते चलते हम फाइनली पहुँच चुके हैं माँ दुर्गा के दरबार में। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये बड़ा सा भव्य गेट बनाया गया है और मंदिर का प्रांगण ही इतना खूबसूरत है, तो मुझे लग रहा है काफ़ी बड़ा भव्य मंदिर यहाँ पर बना होगा। मैं पहली बार आ रहा हूँ, तो यहाँ पर अपने सबसे पहले जूते उतार देते हैं और जय हो। तो गाइस ये है माता रानी का भव्य मंदिर। तो माता रानी के दरबार में अच्छे से हमारे दर्शन हो गए हैं और यहाँ पर भी मतलब ताला लगा हुआ है। जब यहाँ पर अंदर पूजा होती है उसी टाइम यहाँ पर यहाँ के जो ताले हैं वो खोले जाते हैं। तो कभी आएंगे फिर यहाँ पर भी अंदर माता रानी के अच्छे से दर्शन करेंगे। और यहाँ पर ना बड़ी मेरे को खुशी हुई यहाँ पर आके, क्योंकि यहाँ पर चारों साइड जो प्रांगण है ना वो बड़ा खूबसूरत है। और यहाँ पर माता रानी के दर्शन करने के साथ साथ ना मुझे बहुत सारे अपने जो सब्सक्राइबर हैं वो भी मिले हैं, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। सब अपने गप सप में लगे हुए हैं, ऐसे में ज़्यादा अच्छे नज़र नहीं आएंगे ऐसे में। और ये बोल रहे हैं एक एक करके केवल अपना इंट्रोडक्शन ये देने वाले हैं। चलो शुरुआत करो, कौन करेगा शुरुआत? मैं करूंगी। मेरा नाम है संजना और मैं इसकी बेस्टी हूँ। ये देखो यहाँ पर भगवान के दरबार में सब झूठ बोले जा रहे हैं एक दूसरे को। दुर्गा माता से भी आशीर्वाद लेने के बाद हम निकल पड़े हैं अब घर की ओर। और इसके जो साथी हैं वो सब तो चले गए हैं इसको छोड़ के, तो इसको भी साथ में अब लेके जाना पड़ेगा। और सब और जितने भी लोग थे उनको मैं उतना जानता नहीं हूँ, लेकिन इसके साथ काफी टाइम से हमारी दोस्ती है। लगभग कितने साल हो गए? 5-6 साल से हम एक दूसरे को जानते हैं। मतलब मेरे गिने चुने 4-5 दोस्ती हैं जो खास हैं, उसमें से एक ये भी है, अनमोल रतन। कुछ ज्यादा ही बोलती है ये, इसकी बातों पे आप लोग ध्यान मत देना, ध्यान देना भाई। और बारिश भी हल्की हल्की शुरू हो गई है, तो ये लोग तो आराम से गाड़ी में बैठ के जाएंगे और हमको भीगते भगते जाना पड़ेगा। संजना लोग चल पड़े हैं रुद्रप्रयाग की ओर और अब हम जाएंगे वापसी। और अभी शायद चोपता हमको जाना पड़ेगा क्योंकि रास्ते में कहीं मिलेगा नहीं और जगह खाना, तो खाना खुना खा के जाएंगे। तो अभी हम पहुंच चुके हैं, यहाँ का एक छोटा सा मार्केट है चोपता मार्केट। छोटा है लेकिन बड़ा खूबसूरत है और हर ज़रूरी सामान जो इंसान के लिए चाहिए होती है वो यहाँ पर मिल जाती है। और अब यहाँ पर रुक के थोड़ा चाय पानी जो भी होगा खाना पीने का वो हम लोग खाएंगे।